अच्छा, आप इनसे कब मिली थी? इनके मशहूर हो जाने के बाद? पहले मैंने कहती हूँ आप मशहूर मेरी वजह से हुए, क्योंकि ये तो मैं आपके साथ क्योंकि देखिए शादी के बाद कहते हैं ना कि शादी सवारी और घर आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं, तो इनकी लाइफ चेंज कहते हैं दौलत जो है लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन मैं नहीं ये इस लफ्ज को यूज करूंगी, जो शोहरत और दौलत है वो बीवी की नसीब से आती है, औलाद हस्बैंड की। एग्जैक्टली यही वर्ड्स में कहती हूँ, ये कहते हैं नहीं मतलब मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है। मैं यार रगड़े खा रहा होता हूँ या कहीं और रगड़े खा रहे यहाँ से बना दी, दुनिया के लोग खा रहे होते हैं रगड़े खा रहे होते लोगों की बिस्तियाँ, लोगों के मनाना रूठना, यू नो नखरे दिखाना, वो सब हो गया साइड में। आपकी किसी की भी नकल उतारने से कोई नाराज हुआ है कभी? सच्ची में बहुत कोई कॉल आई है कोई ऐसा धमकी? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो के मुंह पे कह देते हैं, और मैं कहता हूँ कि शायद ये कमजोर्फ लोग होते हैं कि मुंह पे क्या कह देते हैं, मुंह पे माइंड कर जाते हैं। हाँ, और वो मुंह यार ये नहीं किया करो। मैं मुझे लगता है कि कभी किसी ने कॉल किया उठा लेंगे तुम्हें? नहीं नहीं उठाने वाला खैर अब हुआ ना हुआ होगा, मतलब वो जाहिर है वो बातें टीवी पर बताने वाली होती टीवी बताने वाली बातें नहीं। तो क्या हुआ मतलब इसमें डर और खौफ क्या यार, एक मजाक मस्ती है, मोहब्बत है चाहने वालों की। लपेट के बता दे, लपेट के ऐसे है कि बाज़ औक़ात मैंने कहा ना कुछ लोग होते हैं मुंह पे मना करते हैं और कुछ होते हैं वो घूम के मना करते हैं। हाँ। अच्छा ये खतरनाक वाले होते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट मुझसे नहीं आएंगे, ये उससे आएंगे जिससे मैं दबूंगा। तो वो खतरनाक चीज होती है। हाँ। और उसमें फिर बंदा कहता है यार चलो मैं तो कर ही रहा हूँ जो कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जा रहा हूँ मेरी वजह से। जैसे हम कभी कॉमेडी प्ले करते ना, सिटकॉम वगैरह नादानिया में एक्टिंग करते थे, कभी कभार किसी जुमले में हम फंस जाते थे, हंसी हमें खुद इतनी आ रही होती थी कि हम एक्टिंग नहीं कर पाते थे ना, वो कभी कभार आप उलझ जाते। तो कभी ऐसे आपके साथ हुआ है कि आप किसी की मिमिक्री करें कॉमेडी करें और आपकी खुद की हंसी नहीं रोक? बहुत दफा। हाँ? बहुत दफा। किसकी मिमिक्री करते? बहुत सारे लोग हैं जैसे मिमिक करते हैं, अबरार भाई की मिमिक करते हैं, मुझे खुद बहुत हंसी आती है क्योंकि अबरार भी मेरे सामने बैठे हुए, उन्होंने कहा यार मुझे लग रहा है मैं ही गल कर रहा हूं। अबरार लग हां वो कहते हैं यार मुझे लग रहा है मैं ही गल कर रहा हूं, मेरे ऐसी है, मैं कोशिश करता हूं फिर जब मैं मिमिक करता हूं वो एंजॉय करते हैं, मुझे और हंसी आती है उनके एंजॉय होने में, वो जिस तरह। और ये मामला होता है स्टेज पे, स्टेज पे करते हुए ना फिर एक एनर्जी और होती है, और फिर जब सामने वाला एंजॉय कर रहा होता है तो आपकी भी हंसी। अच्छा सवाल, जब भी मैंने किसी सिंगर को किसी पेंटर को किसी डिजाइनर को इंटरव्यू किया है तो पता चलता है अच्छा जी मेरे अब्बू के अंदर ये टैलेंट था, मेरे चाचा मेरे नाना का ये शौक था। तो शफात के अंदर ये जो टैलेंट आया ये खानदान में किससे जरा जरा सा पिक किया? अम्मा। अम्मा सारे टैलेंट अम्मा से। बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। मैं इनफैक्ट कहूंगी उस जमाने में शायद उनको इतना चांस नहीं मिला, अदरवाइज बच्चे के अंदर आ गया। मेरी अम्मी बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं। अच्छा मेरे से बड़ा भाई जो है वो भी ऐसा ही है, लेकिन अब वो जरा उम्र के लपेटे में आया है तो उसने जरा अपने आप को संजीदा कर लिया। अच्छा, लेकिन जब वो भी अब्बा तो वापदा में है ना? अब्बा वापदा में से रिटायर हो गए 10 साल पहले, माशाल्लाह 11 साल पहले। तो वो जो है वो संजीदा आदमी, और उनकी ख्वाहिश थी कि आप भी वापदा में ही लग जाए। वो तो चाहते थे कि बस वो अच्छा मतलब ना बड़ा वो क्या कहते हैं एक बड़ा माचिज्मो है उन लोगों का कि यार मैं बाप जा रहा है बेटा इंटर हो रहा है, और वो एक रिटायरमेंट का सीन के जब वो अब्बा की फेयरवेल हो रही है तो बेटी की ताजपोशी हो रही है, तो समझ रही है कोटा सिस्टम में अब्बा जा रहे हैं तो बेटे आ जाए ऐसा हो जाए, मतलब एक अब्बा को वो होता है ना सीट। अब्बू के बहुत सारे कोलीग्स के साथ ऐसा हुआ कि उनकी रिटायरमेंट हो रही थी और उनके बेटे ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हुए, तो वो समझ रहे ना उनका गेम कुछ और। अब्बा को बोले ना अब उनके बच्चों को कोई नहीं जानता, आपके बच्चे को सब जानते हैं। अल्लाह पाक इज्जत देने वाली जात है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन यस शुरू में अब्बा बहुत इंजीनियरिंग किया है मैंने। यस यस अब्बू भी इंजीनियर, मैं भी अब्बू तो खैर चीफ इंजीनियर रिटायर हुए व्हाट्सएप डैम। मैं पता है ये जान जान के इसलिए पूछती हूँ रोज आते हैं जब गेस्ट, क्योंकि ये एक मिथ बना हुआ है, बड़े जो एक्टर हैं वो पढ़ाई में नहीं अच्छे होते तो एक्टिंग में आ जाते हैं। भाई बहुत सारे सिंगर्स हैं जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ये आर्किटेक्ट हैं, तो वो आ जाते हैं यहाँ इस फील्ड में। देखिए ये एक और इंजीनियर हमारे सामने बैठे हैं, जवाद अहमद इंजीनियर म्यूजिशियन, अली हैदर इंजीनियर म्यूजिशियन, कोई यकीन नहीं करेगा दानिश तमाज मेरा देवर भी इंजीनियर है। अरे ये तो बड़ी आपने मतलब ये हम खाना आफ्ताब भाई इंजीनियरों के साथ एक मसला है, हमें तालीम हजम नहीं होती, आप लोग भी प्लीज बर्दाश्त करें। तो वो मैं मतलब वो कभी इंटरव्यू में बताता है तो मैं कसम का के हलफ उठा सकती हूँ कि भाई वो इंजीनियर है, तो अच्छा है ना बताना। Assalamu alaikum everyone, this is Yashmagil here. Please subscribe to the YouTube channel of Air by Digital to stay updated.